इतना मेरा एक्सपीरियंस है कि गुरविंदर जी तो 30 तक बोलते हैं दोस्तों, इस गाय का अगर 50 लीटर दूध भी बोल दिया जाए ना तो भी कम है इसके लिए। गुरविंदर जी डिटेल आगे की थोड़ी आप बता दें। कुलबीर जी डिटेल मैं बाद में बताऊंगा, दूध तो इसने दिया हुआ है 55 लीटर ही। अच्छा जी, लेकिन अब मैं बड़ा आसानी से लोगों को झूठ बोल के बुला सकता हूँ। हाँ जी, लेकिन कीमत सुन के भी हैरान हो जाओगे। कितने में दिया? 83 83,000 की। हाँ गुरु, अपने कुलबीर जी तीसरी बार की गए हैं। अच्छा जी, बोलने को दूसरी बोल दो, दूसरी बार तक इसने 35 लीटर दूध दिया है तो मतलब दिया है। सत श्री अकाल जी गुरविंदर जी। सत श्री अकाल कुलबीर भाई जी, और साथ वाले सभी भाइयों को भी सत श्री अकाल। बिल्कुल जी, सभी भाइयों को एक एक करके सत श्री अकाल बुलाएंगे तो घंटा लग जाएगा अपने को। सही गल है, जितने समय में ये वीडियो होती है जी उतने समय में तो अपनी सत श्री अकाल ही। हाँ जी, तो गुरविंदर जी सबसे पहले बाकी की बातें शुरू करेंगे आगे, प्रॉपर एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर। एड्रेस गाँव अपना 3 जी छोटी, जिला श्री गंगानगर जो राजस्थान में है, जो अपना श्री गंगानगर बड़ी सिटी है, वहाँ स्टेशन रेलवे बस स्टैंड सभी कोई भी ग्राहक वहीं उतरता है, वहाँ से 10 मिनट की दूरी अपने गांव की है जी। मोबाइल नंबर है 9983514190, वो स्क्रीन पर भी मेंशन होगा, और यही व्हाट्सएप नंबर है, यही कॉलिंग नंबर। ओके जी, तो गुरविंदर जी बात करूँ तो आज तो फिर दिल आपका तो खुश होना ही होना है, मेरा भी दिल खुश हो गया कि कस्टमर भाइयों को देख। बिल्कुल जी, जितनी वोट हमारे 3 जी गांव की उतने भाई अपने पास आए हैं। सही बात है जी, सही बात है जी। तो गुरविंदर जी पहले जानना चाहूंगा, भाई अपने जो आए हुए हैं कहां कहां से आए हुए हैं, कितनी टोटल पार्टियां कितनी हैं जी? पार्टियां तो मेरे को भी नहीं याद, 4-5 तो हैं भाई। अच्छा, और सबसे बड़ी बात नया कोई भी नहीं। अच्छा जी, सभी पुराने हैं, सभी के सभी, सभी के सभी। बहुत, और 4 बंदे चले गए गुजरात की गाड़ी भरनी है जो। ओके, और टोटल कितनी गाय भाई आज भेज रहे हो जी? 9 गाय एक बंदे की है, 7 गाय एक भाई की है, 8 गाय किसी की खरीद के हैं, एक वो है, और 10 गाय भाई एक आए हुए हैं उन्होंने लेनी है। 40 के आजू बाजू में 40 मानो। हाँ 40 तो आराम से, और सुबह एक और आ जाएंगे, 50 का टारगेट हो जाएगा इस वीक में। हाँ चलो बहुत अच्छी बात, वो अलवर से आ रहे हैं, वो भी पहले लेके गए हुए हैं। अच्छी बात है गुरविंदर जी, सबसे बड़ी बात यही है जो अभी आपने बोली के ना, क्या रहता है कि नए कस्टमर तो आज के जैसे सीजन चल रहा है ना जी, नए कस्टमर तो जमा हो जाते हैं जी, लेकिन पुराने कस्टमरों की ऐसी भीड़ मैंने पहली बार देखी। और पुराने कस्टमरों की ऐसा नहीं एक बार, हाँ जी, 109 गाय एक गांव में एक किसानों के पास अपनी हो गई। 109 गाय एक ही गांव में एक ही बंदों के पास, कितने समय के भीतर जी? ये 4 साल के लगभग। 4 साल, ये बात भी आपने बहुत अच्छी बोली, क्योंकि 4 साल काफी लंबा पीरियड गैप बढ़ जाता है ना जी, तो उसमें क्या है कि 4 साल में जो एक्सपीरियंस आ गया वो उससे ऊपर और कोई चीज नहीं हो जाती। बिल्कुल जी, एक बात करें तो एक गांव में सपोज कीजिए लोन हो गया जी, हाँ जी, 15 दिन बाद एक आ गया, 15 दिन बाद दूसरा आ गया, जल्दी जल्दी गाय चले जाना वो एक अलग बात है। इनके पास 2-2 बार अपनी गाय ब्याह भी गई, आगे भी प्रेगनेंट है, मतलब दूध भी दे रही है, और 109 की 109 अच्छी नहीं निकली, 2 खराब भी निकली। ये बात ये भी आपने दिल जीत लिया ये बात करके, तो 109 की 9 अच्छी नहीं है जी। ओके जी, 2-3 खराब भी है जी। अच्छा जी, तो फिर भी अपने पास आए। और एक बात गुरविंदर जी, फिर गायों के बारे में एक थोड़ा सा ओवरव्यू दीजिए, बहुत बड़ी बड़ी गाय आज देखने को मिल रही हैं। हाथी बोल लो। हाँ जी, हाथी जैसी हैं। हाँ जी, हाँ। तो दूध की और दाम की एवरेज कितनी वाली गाय है? दूध अपना वही 20-30 के बीच। हाँ जी, 40-50 अपने नहीं बोलना। अच्छा जी, एवरेज 70 और 80-85 के वही बीच पुरानी। अच्छा, 70-80-85 वाला ये दाम की एवरेज भाई जी। इस पूरे लोड में 1,00,000 रुपए की एक गाय है। अच्छा जी, और गाय आप देखोगे तो 1.5 की भी बोलो, 1.25 की बोलो, तो जो चल रहा है आजकल की वीडियो में तो दिखेगा आपको वो। तो दोस्तों एक बार नजर इधर गाय की तरफ घुमा लीजिए, मेरे हिसाब से गुरविंदर जी आज वाली गायों में सबसे बड़ी यही होगी। बिल्कुल बड़ी ये। ओके, दूध भी फिर 1,00,000 को टच करने वाली गाय है तो दूध भी वैसे ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, 40 लीटर प्लस है, लेकिन आप 40 मानो। ओके, झूठ यार, गर्मी इतनी है भेजी, गाय को जान बचानी मुश्किल है, दूध की बातें तो बाद की रहेगी। सही, तो अगले घर जाके देना है। ओके जी, तो गुरविंदर जी फिर अपने कस्टमर भाइयों का एक्सपीरियंस थोड़ा थोड़ा शेयर करते जाइए। जो इसमें ये भी बताना चाहूंगा, ये भाई भी अपने प्रांत से हैं। अच्छा जी, और ये अपने पास 4th बार आए हैं, इनकी वीडियो भी आपके चैनल पे पहले लग चुकी है। हाँ जी, और दोबारा फिर आए हैं, तो ये इनकी भी जो टोटल 27 गाय होगी, 27 की 27 अच्छी नहीं है, 2 इनकी भी गलत निकली है। अच्छा जी, लेकिन एक ने 6 लीटर दिया, एक ने 8 लीटर दिया, इतना ही कुछ लगभग है। एक बात स्टार्टिंग में मिसिंग होगी, सभी भाई कहाँ कहाँ से हैं जी? चित्तौड़गढ़ से हैं जी। अच्छा जी, राजस्थान? राजस्थान से, 3 पार्टी गुजरात की है। ओके जी, चलो अच्छी बात। हाँ जी, हाँ। ओके, अब फिर आगे का जो एक्सपीरियंस अपने भाइयों का है गुरविंदर जी, वो शेयर करते जाइए। बिल्कुल भाई, क्योंकि अपनी वीडियो में ना मेन बात ये रहती है,
गाय दिखाने पर आप ज्यादा फोकस नहीं रखते? नहीं जी, आपकी हर वीडियो में ये बात होती है। मैंने वीडियो का वैसे फॉर्मेट चेंज कर दिया सभी भाइयों के लिए जी जी, कि कस्टमर की जो बातचीत वीडियो के अंत में पहले गाय दिखाते हैं जी जी, लेकिन आपकी वीडियो अलग रहती है हमेशा ही, क्योंकि आपका जो चीज है आप गाय बहुत कम दिखाते हो जी, बातचीत ज्यादा। सही है, वीडियो में तो अच्छी अच्छी सिलेक्टेड ही दिखाऊंगा, वो बात है 100 में से 2 दिखा के 2 के चक्कर में 98 बेच लूं। सही बात है जी, लेकिन वो काम नहीं है। कई लोगों को दिक्कत होती है मेरी बातचीत सुनने में, तो उनको बोलता हूँ 30-25 मिनट की वीडियो 15 मिनट आगे करके गाय देख लो, आपकी मर्जी है, तो मैं तो बातचीत ही सुनाऊंगा। सही है, उसका कारण ये है भाई मेरी बात सुन के मेरे पास कोई नहीं आ रहा। ये भाई भी पहली बार वीडियो के माध्यम से जुड़े थे ना, हाँ जी, तो 4 सालों से जुड़े हुए हैं ये, इनका अनुभव सुन के ही ग्राहक ने आना और इनका अनुभव ही आपको बताएगा भी मेरा काम कैसा है। सही बात है जी, तो ये इसलिए मैं बातचीत सुनाता हूँ भाई। ओके, तो मेरी कोई खुद की बातचीत है नहीं, मेरे के लिए तो है नहीं, जो बातें हैं वो आपके लिए ही हैं, आपको अच्छी लगे तो सुनो, ना ही लगे तो। सही बात है, सही बात है। और तो फिर गुरविंदर जी आगे अपना काम शुरू कीजिए, भाइयों के साथ अपनी बातचीत शुरू। बिल्कुल जी, पहले तो भीखा भाई से बातचीत करेंगे। भीखा भाई नमस्कार। नमस्कार जी, स्वागत है आपका एक बार फिर, और परन्या भाई सभी आगे, इनके पास 26 गाय है अपनी, अपनी 26 गाय इनके पास इससे पहले 26 गाय है, कैसा एक्सपीरियंस है आपका मेरा? देखो जी, बाकी तो जितनी मर्जी बातचीत कर लूँ, सवाल क्वेश्चन कर लूँ, सबसे पहली बात तो ये आइडिया लगा लीजिए भी जो भाई दूसरी बार भी किसी के पास आ जाए वो बड़ी बात है, जैसे तो 6-6 बार 4-4 बार 3-3 बार आ गए, तो इसके अलावा मैं अपने काम का क्या प्रमाण दे सकता हूँ आपको? सही है जी, जितनी मर्जी बातें कर लूँ, दोबारा कोई आ गया मेरी बात सुन के, मेरी शक्ल देख के कोई नहीं आता, मैं इनको फ्री गाय नहीं देता, लोगों से 5,000 महंगी देता हूँ तो भी आ रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी देते तो पैसा लगता है, तो भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ होगा ही। अब मैं बोले जाऊँ मैं सही है तो वो बोलने की अब जरूरत है नहीं, क्योंकि दिख रहा है सभी भाइयों को। भीखा भाई माइक को पकड़ो पहले तो आप, पहले जो गए आपके गांव में आपके पास, जो और भाइयों को भी आपके कहने पे आए थे, उन्होंने कोई मेरे बारे में आपको शिकायत तो नहीं की जाए? गलत बंदे के पास ले गए? कोई शिकायत नहीं है। कैसी है गाय? बहुत बढ़िया काम है, और भाई अनुभव से काम है, अनुभव ज़्यादा है खरीदने में, अनुभव ज़्यादा है, वो ना बोल दे तो हम गाय नहीं खरीदते, बोल दे वो गाय खरीदो मेरे विश्वास पर तो हम खरीदते हैं। ये हम 4 साल से जुड़े हैं, हमारे गांव में 1 से 9 गाय हो जाएगी, 1-2 गाय तो होती है। सही है, पर बहुत बढ़िया काम है, और रहने का खाने का पीने का कोई दिक्कत नहीं, घर जैसा, हम कभी गुजरात में ही है ऐसा लगता है। आपके सभी हाँ। गुजराती भाई एक साथ हो गए तो फिर ये तो हो ही गया कि गुजराती हाँ। बना रखा आपने इधर तो, है ना जी। और एक बात अंकल जी, आपकी उम्र के हिसाब से आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, एक बात अपनी तरफ से पूछना चाहूंगा, बाद में आपने बताना। इतने भाई एक साथ इकट्ठे हो गए है ना जी, कोई 2-4 आदमी आ जाए उनकी केयर तो घर पर अच्छे तरीके से हो जाती है, इतने आदमी आ गए तो कहीं ना कहीं कोई केयर में आपकी मेहमान नवाजी में कोई कमी तो नहीं आई? कोई कमी नहीं, हमारे यहाँ 2-3 अड्डे है। अच्छा जी, वो के खरीद के यहाँ व्यापार करते हैं। अंकल जी मैं ये बात कर रहा हूँ, आप इतने आदमी इधर घर पर हो गए, आ गए मेरे पास, आप इतने बंदे कोई दिक्कत नहीं मेरी, मैंने बार बार जी वैसे की नहीं, हमारे पीछे पीछे 4-4 5 बंदे फिर रहे, क्या दिक्कत है, चाय पानी नाश्ता सब कोई दिक्कत नहीं। सही है जी, उनका कहने का मतलब ये, अभी ज्यादा बंदे आ जाए तो कोई सेवा, कोई दिक्कत नहीं, 50 बंदे आए तो भी व्यवस्था है। अच्छी बात, अब आगे की आप बात शुरू। आगे की बात ऐसी है, हमारे बाहर में भी गाय मिलती है, चराड़ा में भी मिलती है, ये नाम लेते हैं गंगानगर का। अच्छा जी, गंगानगर की गाय नहीं होती, यूपी का माल होता है, ये बड़ी बात है, गंगानगर का माल फर्क दिखता है, हमें तो भरोसे पर आते हैं, भरोसा तो गोविंदर भाई का है, कुछ गाय का होगा कोई होगा तो वो उपार लेते हैं, कोई गाय बीच में मर जाए तो मदद भी कर देते हैं, इसलिए हमें 4 साल से गोविंदर भाई से जुड़े हुए हैं। ये 20 लीटर बोलते हैं तो 25 तक तो देती है, 5 लीटर ज़्यादा, हमारे यहाँ टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा है, हमारे यहाँ से थोड़ा कम है, ये दूध का तो फर्क ही पड़ता है ना, माल दिलवाने का सौदा करने का बढ़िया तरीका है, वो दूसरा आदमी नहीं कर सकता। सही है ये कुलवीर जी, इन्होंने बोला 80 की तो अपने एक कम की भी लेके दी है। अच्छा जी, ये एक ज्यादा भी किसी बड़ा है तो कोई लग, लेकिन 2-3 गाय तो ऐसी भी जिसमें अपने कम की ली ना, है। कम के ली है, हमने बोल दिया कि सिक्केर में तो इसका 2-3 कम करके हमको दिलाइए गाय, ये 70 बोलते हो तो मैं तो 50 से चालू होता हूँ। हाँ। सही है जी, चाहिए भी ये तो आपके सामने ही हो गया, मेरे पास 25-26 गाय आगे भी है, आज 3 ली है। ओके, थोड़ा मार्केट ऊंचा है ना, हम पहले तो 50-60 में गाय ले गए थे। हाँ जी सही है, तो ये तो फिर समय की बात रहती है। हाँ, माल नहीं है,
पर डीला ने कई तरीका ही बढ़िया है, जैसा चाहे ऐसा माल मिल जाता है। कुलबीर जी इसमें एक डिफरेंस बताऊंगा मैं, जो भाई साहब जो पहले 60 की गाय लगे थे ना वो ऐसी नहीं थी, वो इससे हल्की थी तो भी 20 लीटर दूध दे रही है आपके पास, ऊपर दे रही है। एक 38,000 की लगे थे वो कितना दे रही है, और 10-12 लीटर दूध टाइम का दे रही है, वो तो जो बहुत बड़ी बात है। कुलबीर जी अब बात आती है 109 गाय में से तकलीफ कितनी गाय को है, एक ही गाय मरी है शायद मेरे पास, मेरी एक मरी नहीं, एक फेल हुई, दो गाय की तकलीफ है 109 गाय में से, दूसरी कोई तकलीफ नहीं है। अब मैं झूठ बोलना तो बोल दूं, ये भी बोल देंगे 109 की 9 अच्छी है, लेकिन नहीं, जो हुआ है वो बता रहे हैं। तो मर जाए तो आपकी कर्म की 109 में से एक ही गाय मरनी, ये भी बड़ी बात है, एक ही मरी है, एक ही मरी, वो भी काफी टाइम बाद। कहने का मतलब ये भी यहाँ का टेम्परेचर अब इतना है भी, ये भाई साहब खुद गर्मी में है, इनको सहन नहीं हो पा रही, अपने भी खड़े हैं, लेकिन यहाँ वहाँ जाके कहीं भी और जगह भी चले जाओ वहाँ टेम्परेचर कम है तो गाय आसानी से सेट हो जाती है। सही है जी, सही। और ये भाई साहब यार 109 गाय कोई मायने रखता है किसान के पास? अब व्यापारी हो बेचने वाला हो उसको तो महीने में दे दो, घर के लिए ले जाते हैं। और एक बात इन्होंने और बोली इस वीडियो में, फिर बंदे गाय जाती है गंगानगर का नाम लेके बेच रहे हैं, खुला व्यापार करते हैं गंगानगर की गाय पर नहीं है ये मतलब 4 वीडियो में हो गया आपकी, और ग्राहक वहां से आके बोल रहे हैं सब सयाने हो गए आपका, अब उनको समझ जाना चाहिए उनका युद्ध नहीं चलेगा। एक दो भाई पहले भी अपनी वीडियो में उन्होंने बोला है कि यूपी की गाय जाती है, गंगानगर की गाय है, कैसे गंगानगर का नाम लेके बेच रहे हैं, तो मतलब कितना कितना, आप सभी समझदार हो गए सबको पता है जी। परने जी आपके पास भी हमारी गाय है, आप भी अपना अनुभव बताओ भाइयों को, आपकी गाय कैसी है? सत श्री अकाल जी, कैसा अनुभव है आपका हमारे? और बहुत अच्छा अनुभव, मैं 6 बार आ चुका हूँ, लेकिन 109 गाय है हमारे पास, 10 आदमी के पास है, बहुत ज़्यादा आदमी के पास नहीं है जो, और मेरे पास भी 15 है, और अभी लेके जा रहा हूँ वो, और लेके जा रहा हूँ जो पहले गाय गई है वो दूध तो प्रॉपर दे रही है, पूरा 10 लीटर के ऊपर ही दे रही है एक टाइम का। मैंने सिखाया तो नहीं आपको बोलने के लिए? नहीं सिखाया, कभी ऐसा यार मैं सिखा रहा हूँ आपको? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, दे तो रही है ना, कोई आके वहाँ पर आके आपके देख ले 10 लीटर दूध, फिर आप जुबान से तो नहीं चाहेंगे ना? नहीं नहीं 10 लीटर से ज्यादा देगी पर कम नहीं देगी। कुलबीर जी ये भी आपके सामने हो, हम आपके चैनल को चाहिए वीडियो लाइव मिल्किंग का तो हम दे सकते हैं आपको। सही है जी, अगर भगवान ने चाहा तो गुरविंदर जी के साथ जरूर आऊंगा आपके। 2-3 महीना ही देती है, ऐसी नहीं है 7-8 महीने तक पूरा दूध देती है, ऐसी दूध तो खासियत सुनिए, क्योंकि ये 3-4 साल जिन्होंने अपनी गाय को अनुभव लेके ही ये चीजें बता रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है जी। यहाँ से गाड़ी भर दूंगा जे देगी देगी तो, जितनी मर्जी वीडियो बना लो सभी अच्छी, फर्स्ट बार में तो सभी को मेरे से गाय खरीदी है जिन्होंने पहले बार, तो इनको अच्छा ही लगेगा ना, लेकिन दोबारा आकर बताते हैं वो हमारी ये घुमा के एक दिन में 9 गाय खरीद ली कल। सही है, दूसरे भाई इसने आज 9 खरीद ली, ये बड़ी बात है। कुलबीर जी बात इसमें ये भाई साहब ने बोला, खुला मेरी वीडियो में बोलता हूँ, मेरे पास बकरी भी नहीं है मेरे घर पे भाई, नहीं नहीं है, तो फिर भी गाय दिलवाता हूँ ना सभी को, सभी की पूरी होती है ना, अच्छी अच्छी होती है। डीजल में खाली खाली डीजल का पैसा देने का है, ट्रेन में आ जाओ कोई भी में आओ, यहाँ गोविंदर भी गाड़ी घूम के डीजल के पैसों में 1500-2000 रुपया दे के वो 9 गाय डिला लेता है, ये बड़ी बात है हमारे लिए। कोई फालतू खर्चा नहीं लेते जी, क्योंकि किसान आते हैं जी सारे। सही है जी, और सबके पास मेहनत का पैसा भाई जी, ठीक है गाय पे तो लगना ही है, बाजार ऊंचा है नीचा ना मेरे हाथ में ना किसी हाथ में, वो बात अलग है, लेकिन खोटा कभी किसी का नहीं लगवाया जी, और तभी चल रहे हैं जी। ऐसे जितनी मर्जी बातें बोलो, बड़ी बड़ी बातें बोलो, कोई मतलब नहीं बनता कुलबीर जी। अब मतलब मैं मेरे को अच्छा ही बोलूंगा, मेरी दुकानदारी है, चाहे मेरा घड़ा टूटा ही हो मैं तो बोलूंगा सही है भाई, लेकिन वो तो आप बताओ भाई कैसा है, और ये दिख रहा है ये कोई मेरे जान पहचान या कोई इनसे मेरी कोई रिश्तेदारी तो है नहीं, संबंध तो गाय लेके ही गए थे ना तभी बना है। अगर उनको मेरा काम या मेरी गाय वहाँ मेरी किस्मत अच्छी मान लो, गाय के अंदर तो मैं भी नहीं बड़ा, भगवान तो मैं हूँ नहीं, फिर भी अच्छी निकली तो मेरे पास आ रहे हैं और अपने इनका अभी तक सहयोग दे रहे हैं। ये अपना एक तरीका है काम करने का कुलबीर जी, कभी किसी को खराब नहीं किया, कभी झूठ बोल के नहीं बुलाया अपना, ये सभी बंदे खड़े हैं। अभी आपने मेरे पास आना था, आपने को मैंने ये तो नहीं बोला अभी मंदा है अभी आ जाओ, नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला, यही बोला अभी 70 से ऊपर मिलेगी। हाँ तो वही बताया था आपने कि 70 से ऊपर ही मिलेगा। ये भी खासियत अब क्या होता है, बिकी 1.5 लाख की होती है, वीडियो में कोई 70 बोल देता है आ जाओ 65 की मिल जाएगी, ऐसा बोल के किसी को भी नहीं बुलाया हुआ। तो ये काम करने का अपना अपना तरीका है जी, अपने तरीके से सही तरीके से चल रहे हैं, काम कम चले ज़्यादा चले बाद की बात है। मनीष जी अभी आप अलग वीडियो बनाना चाहते हो या इसमें ही, आपकी क्या इच्छा है इसमें? चलो आपका अनुभव बताओ पहले तो। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी,
इस गंगानगर में हम तीसरी बार आए हैं और एक गाड़ी तीसरी बार लोड होगी। सभी गाय आज के साथ हमारी मिला के 27 गाय हो गई है और अगर अगली दो गाड़ी में सब गाय अच्छी निकली है। आधी गाय प्रेग्नेंट होकर दूसरी बार जन गई है और सब गाय अच्छी निकली है। 10-12 लीटर दूध दे रही होगी? 10-12 प्लस तो निकलती है, कोई 10 से कम नहीं है। नहीं 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 नहीं, 35-40 तो नहीं दे रही? नहीं नहीं नहीं। कुलवीर जी सुनिए बात, अब मैं क्यों कहना, 27 इनके पास होगी, 109 इनके पास होगी, 40 लीटर कोई नहीं दे रही भाई, 35 लीटर कोई नहीं दे रही भाई, 30 लीटर कोई एक आधी होगी, 25 लीटर सारी दे रही है। सही है। और हर वीडियो में मैं बोलता हूँ भी 25 की ही गाय होती है, इससे ऊपर मत मरो। अरे महाराष्ट्र के बंदे का मेरे पास फोन आया है, का नंबर दूंगा, कहता 80 लीटर की गाय चाहिए। अब मेरी उसके खिलाफ मतलब उसको क्या बोलना चाहिए था मेरे को, आप हिसाब लगा लो। मैं वो ही बोला, हाँ जी उसको वो ही बोला जो उसको सुनना चाहिए था। 80 लीटर यार दिन का दूध चाहिए उस भाई को। मतलब ये चीजें हैं, ये 27 गाय गई है, 12-12 लीटर दूध दे रही है और इतना ही बोल के दिया था। इतना ही। एक गाय ने कम भी दिया 6 लीटर, वो भी बताओ। एक दो गाय निकल जाती है वो अपने नसीब से, वो आपने पहले बोल दिया तो हम बार बार बोल के क्यों। और फिर भी आए हो? फिर भी आए। ये बात कुलवीर जी, अब क्या बोलना है इसके बारे में, वो ईमानदारी देख के ही आए हैं। सही है। सारी भी अच्छी नहीं निकली, एक दो गलत निकली तो भी आए, लेकिन उसका जो भरपाई इस बार आपकी करवा दी मैंने कि नहीं करवाई? करवा दी है। हो गई? हो गई। जो रेट बोला उससे कम में दिलाई, कुछ ज्यादा जुदा तो नहीं? नहीं नहीं नहीं। आने वाले जो भाई है पशुपालक, क्या आपकी वीडियो देख रहे हैं, वो आपको सुन के आपको देख के उन्होंने मेरे पास आना है, उनको मेरे पास आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, आना चाहिए, पूरा भरोसा लेके आना चाहिए। तो कुलवीर जी अब क्या बोलवाना, और जितनी मर्जी क्वेश्चन आंसर कर लो, खत्म होगी सारी बातें। क्वेश्चन आंसर वाला काम तो आपके घर पर आकर मेरा खत्म हो जाता है भाई क्योंकि मेरा भी हो जाता है। हाँ जी। ग्राहक खुद दिल से ही बोल रहा है, कुछ नहीं अपने कोई बातचीत कर रहे हैं, कोई वीडियो नहीं बना रहे, ये सिर्फ एक बातें ही हो रही है। अभी बीच में बात निकल के आती, वो अगला अपनी एक्सपीरियंस बता देता, वो अपना अनुभव बता देता। सही है जी। ये चीजें अपने पास मिलेगी। अब जो नीचे कमेंट करते हैं, 20 मिनट बातें होगी, 25 मिनट बातें होगी भाई, जहां तो होगी, सच बोलेंगे, टाइम भी लगेगा, बुरा भी लगेगा, तो लगे। अब यार ये यही बात है ना, मतलब अब कईयों के बातचीत ना यार, ये भाइयों का अनुभव ही नहीं बताऊंगा आपको, फिर तो अंधेरे में रखने वाली बात हो गई यार। इनको साइड में रख के गाय लाख की बेची है, 70 की बोल बोल के जितने मर्जी बुला लूं, ये लोग नहीं समझते यार। मैं हैरान हूं उन बंदों से, उनकी मानसिकता से। उन्होंने कभी गाय भी नहीं खरीदी तो भी यहाँ के लोकल बंदे भी मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करवाने की कोशिश करते, लेकिन कभी गलत कमेंट आया तो बताओ। ये बातें हैं क्योंकि मैं तो यार, मेरे तो आसान ही बहुत है काम, मेरे को तो बोलने की जरूरत नहीं। ये वीडियो दिखा के कम रेट बोल के जितने मर्जी बुला लूं, इनको सामने लाने की जरूरत ही नहीं। मैं तो खुद बोल रहा हूं भी मेरी दो गाय गलत निकली है, ये बात आने की क्या जरूरत है मेरे को, समझ जाओ। मैं आपके फायदे के लिए बोल रहा हूं, मेरे फायदे के लिए तो बोलना तो मैं कुछ और बोलूंगा। तो ये बातें हैं मेरे भाइयों, अब आगे आप गाय देख लो, जितनी मर्जी देखे जाओ, तो अभी दिखा देंगे सारी ओवरव्यू में। अभी सभी व्यूवर को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और सभी भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आप पे, आप मेरे पे इतना भरोसा कर रहे हो, तो हमारे भी एक फर्ज है, बड़ी बात है ना। हाँ तो कदर है, हम तो पहचानते, गोविंदर को पहचानते हैं, भरोसा इन पर है। अरे इन्होंने आके गाय नहीं खरीदी थी, मेरे को पैसे का बैग पकड़ा दिया, 2 लाख खाते में पहले ही डाल दिया। अरे गाय नहीं ली थी अभी तक? ली थी आपने? नहीं नहीं लिया। और कितने पेमेंट आपने मेरे को दी? 2 लाख पहले करके निकले थे आरटीजीएस, 2,60,000 पहले आरटीजीएस कर दिया। तो यार ये भरोसे की बात है, ये बात है। ये भाई साहब पहले बीच में चलो किसी के कहने पर तो दुख बोल रहा है जी, क्या करें। अब अंत में सभी व्यूवर का धन्यवाद, सभी भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल। सब्सक्राइब करो और आगे गाय की वीडियो देखो, एक एक करके चला के दिखाएंगे, रेट भी बताएंगे। हाँ जी दोस्तों, बातचीत काफ़ी होगी जी, अब इससे आगे गाय आप लोगों को चला कर दिखाएंगे। पहली गाय जहाँ ये बोल सकता हूँ कि आज वाली सारी की सारी गायों में से जो सबसे बड़ी है जी, वो आप लोगों के सामने आ चुकी है। क्वालिटी देखते जाइए, कदकाठ में बहुत बड़ी, अडर की तरफ से बहुत बड़ी, शानदार गाय है जी। अपनी तरफ से देखने में यही बात बोल सकता हूँ कि जितना मेरा एक्सपीरियंस है कि गुरविंदर जी तो 30 तक बोलते हैं दोस्तों, इस गाय का अगर 50 लीटर दूध भी बोल दिया जाए ना तो भी कम है इसके लिए। गुरविंदर जी डिटेल आगे की थोड़ी आप बता दीजिए। कुलवीर जी डिटेल मैं बाद में बताऊंगा, दूध तो इसने दिया हुआ है 55 लीटर ही। अच्छा जी, लेकिन अब मैं बड़ा आसानी से लोगों को झूठ बोल के बुला सकता हूँ। हाँ जी, इस गाय के बारे में। अच्छा जी, ये गाय के चारों आंचल सही है वीडियो में तो सही लग रहे हैं भाई, लेकिन 3 आंचल हैं जी। अच्छा जी,
अब मैं वीडियो में किसी को चेक तो नहीं होने ना, नहीं होगी, मेरे को बताने की जरूरत नहीं। कोई आंचल आर्डर कोई आंडा टेढ़ा नहीं है, दिखने में सभी के सभी कोई आंचल छोटा नहीं है। अब इससे ज्यादा मैं लोगों को क्या बताऊं भी, लोग आपको कैसे बुलाते हैं वीडियो देखा, हाँ वीडियो यूट्यूब पे। अब इस गाय को चला के मैं इसको 80-90 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख जो भी बोल लूं वो मान्या होगा, सही है जी, उसमें कोई दो राय नहीं होगी। लेकिन मैं बोल रहा हूँ भी ये गाय 3 आंचल है। अच्छा, जब इसके 4 थे जिसने 55 लीटर दूध दिया था। अच्छा जी, अब 40 दे 45 दे 35 दे, और ये ग्राहक को 3 आंचल बोल के ही दी है। ओके, खरीद लाने से पहले बोला इसके 3 आंचल हैं भाई जी, आपकी इच्छा है तो खरीदो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। और जो चौथा, जो तीसरा आंचल इसका खराब हुआ है, चौथा आंचल हाँ जी, उसका कारण इसको कोई मस्टाइटिस या कुछ नहीं था। हाँ जी, ऑपरेशन हुआ है जी, पीछे से पक्के पे इसके दबाव आ गया था। ओके, उसके कारण आंचल खराब हो गया, तो इसके इसलिए उस आंचल खराब होने की वजह थी। 3 आंचल में कितना दूध मान कर दिया भाई? 45 लीटर, लेकिन 40 मान लो, 35 मान लो। हाँ जी, लेकिन कीमत सुन के भी हैरान हो जाओगे। कितने में दिया भाई? 83 83,000 की। हाँ, तो वैसे इसके 4 आंचल होते हो तो कितने की गाय है आज के टाइम में? भाई बात करूं तो 2 लाख को टच करते, बिल्कुल ही करेगी। सही है जी। ऐसे गली में खुली छोड़ दूं ना तो 1.5 लाख फिर भी कोई घर दे देगा मेरे को, गाय लेके जा रहे 1.5 लाख देके। कल मैंने एक वीडियो बनाई, आज यूट्यूब पर वो वीडियो अपलोड की। अब तक की यूट्यूब पर वीडियो की मेरे हिसाब से सबसे महंगी गाय मैं उसे मानता हूँ, 2,27,000। सही है जी, क्योंकि वो मुंह से खीरी थी, बहुत शानदार चीज होती, जितना भी कह दे जी उतनी अच्छी थी। उसी तरीके से बात करूं, नॉर्मल गायों का, अच्छी गायों का दाम इतना ही चलता है, इतना ही चलता। लेकिन जो भाई सिर्फ घर पर बैठकर वीडियो देखते हैं ना जी, उनके लिए गायों का दाम, लाख वाली गाय 50 लीटर दूध ही देती है, जब असल में खरीदेंगे तो 50 लीटर वाली गाय 2 लाख से कम नहीं मिलेगी, नहीं मिलती। अरे ये महाराष्ट्र वालों को बताओ, महाराष्ट्र वालों को बुरा नहीं माना मेरी बात का, चाहे मेरे पास एक भी महाराष्ट्र का गाय खरीदने ना आए, उनको बोल दो बकरी 40 लीटर देती है, बकरी ले जाएंगे। और उनको पता ही नहीं गाय के नीचे दूध होता कितना, गाय क्या होती है, 1.5-2 लाख दे के जा रहे हैं, ऐसे मर रहे हैं, कोई मतलब नहीं यार। अब ये इसको मैं बोल दूं, इसमें झूठ बोल दूंगा, कितने बुलाने हैं उतने बुला लेता हूं घर पे ये गाय दिखा के। सही है, ऐसी और मिलनी नहीं। मैं बोलता हूं ये गाय देख के मेरे पास एक भी ग्राहक ना आए, मैं खुला बोलता हूं ये एक ही मिली है भाई जी। सही बात है, ले जाइए भाई। हाँ, ये बात है अपने यकलवीर जी, सच बोलना है यार, अगले को ठीक लगेगा आ जाएगा, नहीं ठीक लगेगा तो भी चलता है अपने। इससे आगे दूसरी गाय ले जाइए। इससे आगे दूसरे नंबर पर दोस्तों एक और बहुत बड़ी भारी भरकम वजन वाली हाथी जैसी गाय आप लोगों के सामने है जी। रंग रूप इसका भी देखते जाइए, क्वालिटी इसकी भी देखते जाइए, डिटेल गुरविंदर भाई बताते जाएंगे। और एक ही बात पहले बताऊंगा अपनी तरफ से दोस्तों, गली में ना थोड़े से कंकर ज़रूर भाई साहब के यहाँ रहते हैं, तो गाय थोड़ा सा उससे पाँव उठा कर चलती है, तो वो बात आप लोगों ने अपने दिमाग में पहले बिठा लेनी है। हाँ जी गुरविंदर जी। गुरु अपने कुलवीर जी, तीसरी बार की गाय है। अच्छा जी, बोलने को दूसरी बोल दो, दूसरी बार तक इसने 35 लीटर दूध दिया है तो मतलब दिया है। एक बात आपकी बीच में है जी, मेरे हिसाब से इतनी वीडियो काफ़ी 20-25 वीडियो तो आपके घर से बन गई है ना जी, और भाई पहली बार आप इतना इतना दूध बता रहे हो। मैं नहीं बता रहा, गाय बता रही है, यही बात है। हाँ जी, हाँ जी। अब ये गाय भाई जी अपने ग्राहक को ऑनलाइन दी है। ओके, गुजरात में। हाँ जी, उन भाइयों को जिनकी वीडियो आपके चैनल पे लग चुकी है, और वो भाई जो 8 बार अपने से गाय लेके जा चुके हैं। सही है जी, वो आप पिछली वीडियो गुजरात की आपके चैनल पे लगी हुई है उनकी। ओके, तीसरे ब्यांत में है ना जी। हाँ, दूसरे बोल सकता हूँ मैं। कितना समय भाई चलाते रहिए भाई? थोड़ा 15-10 दिन अभी और बाकी है। सही है जी। और ये भाई मैं 1.5-1.75 लाख भी बोलता तो वो ग्राहक मेरे को देने के लिए तैयार था, सिर्फ 1,10,000 की दी है। 1,10,000 की सिर्फ बोल रहा हूँ, सिर्फ। हाँ जी सही बात है, घर बैठे दी है, इसके लिए सिर्फ चलता है जी, सिर्फ बोल रहा हूँ, और कभी मैंने बोला नहीं। सही बात है जी, जो होता है वही बोलते हैं। अब इस गाय को कोई 80-85 बोल देगा वीडियो में, बोलते हैं बुलाने के लिए। हाँ जी, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसी चीज लोगे तो इतना ही पैसा लगेगा। ओके जी, ले जाइए जी, उनका भरोसा देखो घर बैठे। हाँ जी, कुछ नहीं, बस 1 लाख अपने खाते में डाल दिया और गाय ले। ओके जी, इससे आगे तीसरी गाय मंगवाइए। इससे आगे तीसरे नंबर पर दोस्तों एक और बहुत शानदार ये बछड़ी आप लोगों के सामने आ गई। बछड़ी इसी वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि छोटी एज है, ब्याह तो मेरे हिसाब से पहले ही होगा या दूसरा हो सकता है। पहला ही है ना, पहला 4 दांत। अडर भाई चलाते रहिए जी, अडर दिखता रहेगा, अडर इतना के शानदार, इतना के कम्पैक्ट साइज का है कि कहना ही क्या है, क्वालिटी देखते जाइए। गुरविंदर जी डिटेल भाई आप बताओ, आंचलों में गैप देखिए यार, ये बताया नहीं आपने। हाँ जी सही है, गाय खरीदने से पहले मेन बात यही होती है। सही बात है, गुलाबी आंचल लगा, मुठिया धन लगा, नस्ल रंग बाज आप देख रहे हो। हाँ जी, अब पहली बार में इसको, हाँ जी, क्या बोला जाता है,
ये एनिमल है जी, एबीएस का एनिमल 35 लीटर दूध देगा ही पहली बार में। अच्छा जी, ऐसे वीडियो में बोला जाता, लेकिन नहीं 25 ही देगा। अच्छा जी, और कहीं और वीडियो किसी की भी उठा के देख लो, ऐसी गाय किसी की लगी है तो वो 35 लीटर ही बोलेगा। एनिमल है जी, इसका फलाना देखो, दिमकड़ा देखो, इसकी एबीएस की है, डेनमार्क की है, फलाना दिमकड़ा कुछ नहीं है जी, ये गाय की बच्ची है, ना तो एबीएस की है ना डेनमार्क की है। ओके गुरविंदर जी, कितने दाम में दिए भाई? जोड़ा लिया जी 176,000 का। 176,000 भाई, इसको ले जाइए, वो दूसरी गाय सामने लेकर आइए। 90-90 की भी नहीं, 85-85 की एवरेज मानो। एक जोड़ा है, पहली आप लोगों ने देख ली, दूसरी गाय आप लोगों के सामने अभी ये आ चुकी है, क्वालिटी इसकी भी देखते जाइए। ये कौन से ब्याद में है भाई? तीसरे बार में। दूसरे बोलने तो बोल देते हैं, आपको ठीक लगता है तो लेकिन है तीसरे, कच्ची है अभी। कितना का समय पेंडिंग है जी अभी? 20 दिन मिनिमम। 20 दिन मिनिमम। ओके, और भाई कितने दूध वाली ये रहेगी जी? 30 लीटर के लगभग, 30 के आजू बाजू में ये रहेगी। जो है वही बताएंगे, अब इसका रंग रूप वजन देख के, अब इसने कौन सा बच्चा, इन्होंने को दूध निकालना है ग्राहक ने, मैं तो 40 बोल देता हूँ यार। गर्मी में गाय खा नहीं रही यार, जान बचानी मुश्किल है, 45 लीटर दूध बोल रहे हैं लोग, मैं तो हैरान हूँ भाई यार। भाई जी समझो, पशुपालकों, जानवर खरीदने वाले भाइयों, समझ जाओ, आपका ही फायदा है, क्यों इतने इतना पैसा भर के जाते हो, वो भी झूठा कोई मतलब नहीं। तो ये बात है कुलवीर जी, जितने की दी है उतनी बताइए, और जिनको ये गाय दी है वो ग्राहक यहाँ पर मौजूद नहीं है तो भी अपने यही रेट बोल रहे हैं। सही है, वो खरीद के अपने से चले गए। ले जाइए भाई, बांधिए। गुरविंदर जी और गाय लेकर आनी है? हाँ जी, एक मंगवाइए। इससे आगे दोस्तों 5वें नंबर पर अंत में एक और गाय आप लोगों के सामने आ चुकी है, क्वालिटी इसकी भी देखते जाइए, रंग रूप देखते जाइए। गुरविंदर जी डिटेल भाई बताते जाइए। निकल जाओ प्रभु जी, निकल जाओ, जा बंद कर लो, जा निकल जाओ, चले जाइए जी, कोई बात नहीं। हाँ जी गुरविंदर जी डिटेल बता। हाइट छोटी है जी। हाँ जी, पहले बता देता हूँ, वीडियो में लंबी दिख रही होगी। सही है जी, ब्याही हुई है जी, दूसरी बार बच्चा दिया है जी। अच्छा जी, तीसरे मान लो, चाहे दूसरे मान लो, मैं तो अगले ने मेरे को दूसरे बताया पर मेरे को तीसरे लग रही है। अच्छा जी, अर्डर क्वालिटी आप दे सकते हो, कल ही बच्चा दिया है। सही बात है जी, बहुत ही टॉप क्लास की गाय, यार ये भी 25-28 लीटर दूध आराम से देगी। जितनी ऊपर से है जी उतनी नीचे से है भाई, है यार यही खासियत हमारे गंगानगर की, मदरी गोडी की है, दूध देगी। सही है जी, कद लेना तो ऊंचा, तो खजूर भी बहुत है। सही है, ऊंचा दिखा के तो 2-1.5 लाख ले ही रहे हैं लोग, फिर मेरे में और उनमें क्या फर्क है। गुरविंदर जी कितना भाई दाम कितने में दी गई है? ये भी ऑनलाइन ही गई है जी। ये भी ऑनलाइन ही है भाई साहब, को देखो उन्होंने गलती उनकी है, उन्होंने 10,000 गाय ऊंची ली है भाई। अच्छा जी, मैं नहीं दे रहा था, कहते मेरे को लेनी है, मैं कहा महंगी मिल रही है, कहता लेनी है ले लो, 90,000 लाख रुपए की भी लेने देने के लिए तैयार थे वो। अच्छा, लेकिन अपने कम में दिलाई। ओके जी, ओके ओके, ये बात है कुलवीर, ले जाइए भाई, बांधिए इसे। हाँ जी गुरविंदर जी, अब आप थोड़ा सा करीब में आ जाइए जी, क्योंकि रात का समय हो चुका है जी, मेरे हिसाब से 8 बजने को है, तो थोड़ा सा फिर क्वालिटी का फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल कुलवीर जी, अभी बात जी, अभी बहुत से कमेंट आते हैं हमको गाय दिखाओ वीडियो में, अब गाय दिखाने लगूंगा 27 खड़ी है तो मेरे ख्याल 1.5-2 घंटे की वीडियो होगी। सही बात है, जिसको गाय देखने का शौक है वो मेरे पास आ जाए। हाँ जी, किराया मैं दे दूंगा। सही बात है, वो गाय दिखा के गाय बेचना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है मेरा काम बता के गाय काम करना, गाय बेचना। हाँ जी, गाय तो अच्छी अच्छी दिखा दी, चार आपको सिलेक्टेड ये देख के आ जाओ। सही है जी, ये बात है मेरे भाई, सभी व्यूवर को बोलना चाहता हूँ, बहुत फ्रॉड चल रहा है, अभी कल गुजरात से मेरे को एक कॉल और आई फेसबुक पे, जो फ्रॉड चल रहा है 40,000 में गाय घर पहुँचा देंगे। मेरे को भी आई भाई, 2 दिन पहले आई, बहुत लोग कट रहे हैं, वो बोल रहा है मैंने 36,000 किसी से, गरीब आदमी हूँ, 36,000 मांग के किसी को डाला, तो दया इतर रोए नहीं, तरफ आया, लेकिन अब कर कुछ नहीं सकते। सही बात, इसके हकदार ग्राहक ही हैं, जो लुटते हैं वो हकदार हैं उस चीज़ के, उनके साथ होना चाहिए। सस्ते के चक्कर में आदमी, अरे यार भाई कोई वीडियो नहीं देखता, वो कहीं का किसी का उधार कार्ड है, उसको वो पैसे डाल रहे हैं, गाय दिखाता नहीं, मेरी गाय अब मेरे, मैं थोड़ा सा एक मिनट लूँगा। हाँ जी कोई बात नहीं, बोलिए। अब क्या मेरे से गाय खरीदने से पहले लोग बोलते हैं मेरे को वीडियो भेजो? हाँ जी, अब हमको नहीं पता यार आप गाय खरीदने वाले हो कि कौन हो। सही बात है जी। अब मैं तो गाय की वीडियो बड़ी बड़ी सिलेक्टेड भेजता हूँ। हाँ जी, वो अब क्या पता आदमी फ्रॉड है जो वीडियो मंगवा रहा है, या वास्तव में गाय खरीदने वाला है। हाँ जी, अब मैंने उसको वीडियो भेज दी अच्छी अच्छी गाय की, वो आगे उसको लगा के, क्योंकि बड़ी कैजुअल तरीके से लगती है मेरी वीडियो, तो नॉर्मल है किसानों के घर। सही बात है जी, वो किसी को डालता है तो अगला मान लेता है, तो वो आगे उनके साथ ऐसे फ्रॉड चल रहा है, तो मेरे से वीडियो की डिमांड मत किया करो। जिसने गाय खरीदनी है यूट्यूब पे वीडियो देख लो और आके देख लो, इसमें भाई लोग ठगे जा रहे हैं, तो किसी और ठगा जाए मेरे कारण, मेरे से नहीं होता ये बात। सही है जी। तो गाय खरीदने वाला वीडियो पहले भेजे, पहले वीडियो भेजो हम फिर आएंगे, अरे वीडियो तो मैं अच्छी भेजूंगा, तो उनका मिसयूज हो रहा है, लोग को नहीं समझते, लोग है हकदार कटने के यार। कुलवीर भाई जिनको सही रहे दो, ठीक है, कोई पानी नहीं पीता भाई।
ओके सही बात है जी। हम बोल रहे हैं अभी मत लो, जो घर पहुंचा रहा आपको 5000 में गए, जो बोल रहे हैं दो टाइम मिल्किंग करके मेरे को पैसा दे देना, वो कैसे ठगी है यार आपके साथ, लेकिन फिर भी डाल रहे हैं पैसे, 36 डाल रहा है कोई, 10 डाल रहा है कोई, 5 डाल रहा है, फिर हमको फोन करते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, हम कलेक्टर तो लगे नहीं जो कार्रवाई कर देंगे, गाय तो गाय बेचने वाले, हमको क्या, हमको दर्द सुना लो हम बांट लेंगे। ये चीज़ें हैं मेरे भाई, मत कटो मत कटो मत कटो, रूबरू आओ, जानवर खरीदो, 5-10 महंगा खरीद लोगे उसमें संतुष्टि है, घर बैठे मंगवाएंगे तो फिर चाइनीज ही आएगा। तो ये बात है, सभी व्यूबर को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ, एड्रेस पता ही है, गांव 3G छोटी श्री गंगानगर, नाम गुरविंदर सिंह, मोबाइल नंबर 9983514190। कोई भी जानवर खरीदना है उससे पहले मेरे को कॉल करें तो आगे से हम उनको रिसीव कर लेंगे। अब अंत में कुछ कहने लिए बचा नहीं, वीडियो 30-35 मिनट की होगी तो धन्यवाद जी, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।